दोस्तों, महान संत कवि हमारे देश के बहुत बड़े समाज सुधारक कवि थे। संत कबीर ने अपनी बहुमूल्य सोच के द्वारा समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया था। आइए सुनते हैं कबीर दास जी की एक प्रसिद्ध कहानी। कहानी का नाम है कबीर जी की बोध कथा। कबीर जी की बोध कथा हिंदी में है। आइए इस कहानी को ध्यान से सुनते हैं। दोस्तों, एक बार हुआ यूं कि संत कबीर जी अपने ध्यान में हरि भजन करते हुए कहीं जा रहे थे। उनके आगे कुछ महिलाएं आपस में बातें करती हुई जा रही थीं। उनमें से एक लड़की का नया नया रिश्ता तय हुआ था, इसलिए उसके ससुराल से शगुन के तौर पर एक नथनी भी आई थी। वह लड़की अपनी सखियों को बहुत इतरा इतरा करके बता रही थी कि उन्होंने नथनी खास तौर पर मेरे लिए ही भेजी है, और वह नथनी इतनी सुंदर है कि क्या बताएं। वह नथनी तो ऐसी है, वह नथनी तो वैसी है। दोस्तों, वह लड़की केवल बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर नथनी का ही बहुत कस के वर्णन किए जा रही थी। पीछे से संत कबीर आ रहे थे और उनके कानों में उस लड़की के द्वारा किए जाने वाली सारी बातें सुनाई पड़ रही थीं। कबीर जी जब उन महिलाओं से आगे निकले तो उन्होंने उनसे कहा, दोस्तों, यहाँ पर एक कबीर दास जी का बहुत प्रसिद्ध दोहा है। नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, नाक दीनी करतार ने उनको दिया विसार। दोस्तों, इस दोहे के माध्यम से संत कबीर का उन महिलाओं को यह दोहा बोलने का भाव यह था कि अगर उस लड़की के होने वाले पति ने उसके लिए नथनी भेजी है तो वह लड़की उस नथनी के बारे में बहुत ज़्यादा बार बार वर्णन किए जा रही है, लेकिन जिस ईश्वर ने उस नथनी को पहनने के लिए उसको नाक दी है वह उस ईश्वर को बिल्कुल भूल गई है। दोस्तों, कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे साथ भी अक्सर यह होता है कि सांसारिक सुखों में हम इतने मग्न हो जाते हैं और ईश्वर ने हमें जो दिया है उसके लिए हम उसका आभार व्यक्त करना बिल्कुल भूल जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर संत कबीर जी की बोध कथा नामक कहानी पूरी हो जाती है। आपको महान संत कबीर की यह बोध कथा कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य ही बताएं। वीडियो पर लाइक करें और वीडियो को शेयर भी अवश्य ही करें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करने की कोशिश अवश्य ही करें। धन्यवाद। ऐसे महान संत कबीर को मेरा कोटि कोटि नमन।